हेलो फ्रेंड्स, अगेन मोस्ट वेलकम इन द चैनल स्टडी विद अस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप सभी का एग्ज़ाम था, आई होप सभी का एग्ज़ाम है जो अच्छा हुआ होगा। तो आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर ही हम लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं मिले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो उनके आंसर ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट लगता है तो उसे भी आप ज़रूर बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारी सीरीज़ है, ये डी सीरीज़ का पेपर है मेरे पास है, जो ये डी सीरीज़ का पेपर था मेरे पास। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको पूछा था। तो इसमें बोला है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये करेक्ट था हमारे पास, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, गन्ना प्रजनन संस्थान पटना। तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन था, ये हमारा तमिलनाडु में है, जो हमारा गन्ना प्रजनन संस्थान है ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारे पास कि बेंट नेक इज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच फ्लावर, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए था, इसमें ये है रोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्हेनियस इक्वेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन है हमारी फर्स्ट ऑप्शन वाला। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट जनरली, नाइट्रोजन है जो किस फॉर्म में, नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं जो प्लांट्स हैं, वो है हमारा नाइट्रेट फॉर्म में। उसके बाद था हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव था, स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स आर एसोसिएटेड विद, बड़े फ्लावर, अट्रैक्टिव फ्लावर्स और थोड़े चिपचिपे फ्लावर्स हैं जो किस में होते हैं, तो ये होते हैं एंटोमोफिले से, एंटोमोफिले होता है जो इंसेक्ट्स के थ्रू है, जो कीट परागण होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स था, मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर डेजिग्नेटेड विद द फॉलोइंग, तो इसका था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन था, बोटेनिकल नेम ऑफ द पीट मॉस इन इंडिया इज, ये है हमारा स्फेग्नम। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन इफेक्टिव फोटोसिंथेटिक प्लांट, तो ये फोटोसिंथेटिक प्लांट है जो हमारा, इसमें ये था हमारा मेज, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर अगला था हमारे पास, हाउ मेनी चेन आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द एल्केन हैविंग मॉलिकुलर फार्मूला C6H14, तो इसमें था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उसके बाद आपको ये डायग्राम दिखाया था, इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला है, पर जो इसमें NH4 पॉजिटिव आयंस और K पॉजिटिव आयंस जो है, इसका सिक्रेशन है वैसे PCT में होता है नेफ्रॉन के, दिस पोर्शन जो फर्स्ट वाला है, लेकिन सेकेंड वाला ऑप्शन मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का करेक्ट फार्मूला है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम इन Cr025, तो ये है ऑप्शन नंबर बी प्लस एक्सेस का ऑक्सीडेशन स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद आई लैशेज, तो आई लैशेज से हमारे मीबोमियन ग्लैंड है जो वो कनेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, हु हैज़ रिटन वेल्थ ऑफ नेशन बुक, तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने। इथेनॉल ऑन हीटिंग विद द कंसंट्रेटेड एस्टर, सो 453 केल्विन टेम्परेचर, तो ये क्या बनाता है, ये हमारी इथीन की प्रिपरेशन है, जो ये इथीन प्रिपेयर करता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, तो ये हमारे अमेजोन के फॉरेस्ट है जो इनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। वट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वेश्चन हमने अब आपको हमारी सीरीज में भी ये क्वेश्चन बताया था, तो ये इसमें था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमें क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट था, इसमें ओपन कोलेट्रल बंडल जो वीट की स्टेम है वो एक मोनोकोट स्टेम है, और मोनोकोट स्टेम में क्लोज वेसिकुलर बंडल्स होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए था। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, इसका आंसर भी नहीं मिला है मुझे, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन, तो पॉलीएम्ब्रियोनी है जो ये लाइम में होती है, ऑप्शन नंबर सी है इसका। कार्बिलामाइन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये हमारे प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ गॉट, तो गॉट की इसमें जो ब्रीड नहीं है वो गद्दी, गद्दी हमारी शीप की ब्रीड है। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 101, तो ये था अनिलुनियम।
नाउ क्वेश्चन अगला था, व्हाट इज द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ H2O इन द रिएक्शन. तो ये हमारा था OH नेगेटिव. स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ये हमारा हैंसबर्ग प्रिंसिपल था. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर शुगर केन इनफ्लोरेसेंस. तो शुगर केन में पैनिकल टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है. 4 लीटर्स ऑफ एन आइडल गैस एट प्रेशर ऑफ 10 एटमोसफेयर एक्सपैंड आइसोथर्मिकली एट 25 डिग्री सेल्सियस इन टू वैक्यूम अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम बिकम 10 लीटर. हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन. तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए, आइसोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब नहीं होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एंटीरियर पेयर ऑफ द विंग्स ऑफ द कॉकरोच. जैसे हम कहते हैं एलाइट्रा. फिर आपने ये मैच करना था. तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है. इसमें जेनेटिक्स होती है स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड कैरेक्टर. ऑटोजोम्स होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोजोम को छोड़ के जो क्रोमोजोम से रिसेसिव जीन वो होता है जो अपने आप को डोमिनेंट नहीं कर पाता. और एलील है जो हमारा. ये क्वेश्चन हमने आपको, ये सभी क्वेश्चन हमने आपको हमारी सीरीज में भी कराए हैं. तो आप सीरीज के क्वेश्चन अगर जिसने देखे होंगे उनका ये क्वेश्चन सही होगा. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. बाजरा इज द हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप अमंग सीरियल एंड साइंटिफिक नेम है इसका पेनिसीटियम ग्लॉकम. तो इसमें ये दोनों ही सही स्टेटमेंट्स है. बोथ ए एंड बी इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा. ऑप्शन नंबर सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ द बॉर्डेक्स मिक्सचर. तो कॉपर नाइट्रेट इसमें नहीं आएगा. 34 क्वेश्चन को भी आप आंसर जरूर करें इसका कमेंट में अगर आपको पता है. विडाल टेस्ट इज यूज टू. विडाल टेस्ट हमारे टाइफाइड के लिए यूज होता है. वट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ द SO2 अकॉर्डिंग टू वेसिपर थ्योरी. तो ये है हमारा 119.5. नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 37. विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट इज नॉट रिलेटेड टू द वीट रस्ट डिजीज. तो ये हमारे प्राइमरी होस्ट होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. तो ये हमारा NO2 ग्रुप है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद mRNA प्रोसेसिंग इन यूकेरियोट्स. तो ये हमारा है कैपिंग एट 3 एंड पे कैपिंग नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 40 है जो इसका आंसर भी नहीं मिला है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिपलेट वेराइटी ऑफ द मैरीगोल्ड. इसका आंसर भी नहीं मिला है. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है. कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+3. तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी 3.87. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोट एल्गी पोजेस क्लोरोफिल बी. तो इसका है ऑसिलिटोरिया. व्हाट इज द pH ऑफ द ह्यूमन ब्लड. तो ये है 7.4. और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें आपने मैच करना था. तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो वो करेक्ट है हमारे पास. ऑप्शन नंबर सी है जो ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है. ये भी आपको मैच करने थे. तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द 6 कार्बन कंटेनिंग एसिड फॉर्म इन द क्रेब साइकिल. तो ये हमारा सिट्रिक एसिड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अवॉर्डेड फॉर नोबल प्राइज कम एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये मिला था हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन को. ऑप्शन नंबर डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व कुड बी कैप्ट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. तो उसको बोलते हैं कोर जोन. विच पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी इज जनरली इन्वॉल्व फॉर टैगिंग. तो टैग लगाया जाता है ईयर पे. विच बैक्टीरिया इज रॉड शेप्ड. बैसिलस हमारा रॉड शेप्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सीडरोफिलिन. के बारे में आपने बताना था कि कौन सा करेक्ट है. तो इसमें आ जाएगा आपका ये हमारा करेक्ट है. इट फैसिलिट द आयरन ट्रांसपोर्ट ओनली. फोर्थ बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन लेबल एजर्शन आंसर. इसमें से आपने बताना था कौन सा सही है. तो ये दोनों ही सही है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन. वाटर इज स्प्लिटेड इन. ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. वाटर है जो नॉन साइक्लिक में स्प्लिट होता है. क्वेश्चन नेक्स्ट है सिलेक्ट वन वाइल्ड जिम्नोस्पर्म ऑफ द उत्तराखंड इन फॉलोइंग ऑप्शन. तो आई थिंक इसका पाइनस होगा बट कहीं कहीं इसका फिड्रा भी है. तो शायद इसका यही होगा पाइनस. GEAC स्टैंड फॉर द जी. ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा. जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. देखो हमने जो सीरीज चलाई थी उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको हैं जो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं.
तो जिन्होंने सीरीज लगाई होगी वो जरूर बताए कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन हैं जो हमारी सीरीज से आए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्यूबल विटामिन, तो है हमारा विटामिन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवेसिव एलियन स्पीशीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो ये हमारा साइनोडोन। अगला था ब्रिगेड ऑफ बफेलो, आपको बताएं दिए है सुरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी कंटेंट, एटीपी में क्या होता है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी एडिनोसिन राइबोसिन फॉस्फेट। उसके बाद है आपका ये आपको स्पर्म का डायग्राम दिया था और जिसमें आपको बताना था कि माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडी का लोकेशन क्या है, तो इसमें हमारा है गॉल्जी बॉडी यहाँ क्रोमोसोम पे होती है हेड पे और माइटोकॉन्ड्रिया ये मिडल फेस पे होता है, तो इसका ऑप्शन है 3 और 4 वाला, सॉरी 1 और 3 वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 था, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद विच द ग्लैंड्स ऑफ द स्वैमरडैन आर एसोसिएटेड, तो ये स्पाइनल नर्व्स ऑफ कॉकरोच में पाया जाता है स्वैमरडैन। क्वेश्चन नंबर 63 है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आपका एजर्शन और रीजन दिया है, आपने बताना है कि कौन सा ट्रू है, तो देखो इसमें ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, आई मीन इसको भी आप चेक कर लें अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 65 एक्सटिंक्ट एंड अर्लियर जॉड फिशेज आर क्लासिफाइड अंडर, इसको भी आप चेक करेंगे खुद। बेसिल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज, तो बेसिल किस फैमिली में आता है, जो तुलसी है ये हमारा आता है लेमिनेसी फैमिली में, लेमिएसी फैमिली, ऑप्शन नंबर बी। वट इज़ द रीजन ऑफ द रेड येलो कलर ऑफ द सॉयल, तो होता है फेरिक ऑक्साइड। द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूमेटोफोर इज, ये होता है रेस्पिरेशन, हमने रेस्पिरेटरी रूट्स आपको पढ़ाई थी रूट वाले सेक्शन में, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग एन एलील फ्रॉम ए स्मॉल पॉपुलेशन बाई चांस इज ग्रेटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद दिस फैक्ट, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है आपको, ये एक सीरीज बताइए, आपने बताना है कि कौन सा एक्वेटिक कौन सा फूड चेन है, ये तो हमारा ये एक्वेटिक फूड चेन है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हैम्पशायर ब्रीड बिलोंग्स टू विच एनिमल गिवन बिलो, तो ये पिग की एक प्रजाति है, इसमें करेक्ट क्या है इसको भी आप चेक करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड है, जो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इसमें से। फिर आपने मैच करना था इसको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो करेक्ट है। विच वन अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कौन सा नहीं है इसमें, तो ये स्यूडोमोनास। अगला है आपके पास दो आपका एजर्शन रीजन दिए हैं, तो इसमें ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, सिलेक्ट C4 प्लांट अमंग द फॉलोइंग, C4 प्लांट आपको बताना है, तो शुगर केन हमारा C4 प्लांट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम एंटर्स इन विच सब शेल, तो ये हमारा हो जाएगा 4s में एंटर होता है इसका। विच वन इज कमर्शियल मेथड ऑफ लीची प्रोपेगेशन, ये हमारा एयर लेयरिंग होता है गुट्टी। उसके बाद आपको मैच करना थे, तो इजी ही क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विच एलिमेंट एफिशिएंसी कॉजेस ब्लैक हार्ट डिसऑर्डर इन द पोटैटो, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड, तो लुईस एसिड इसमें से कौन सा नहीं है इसको भी आप चेक करें। विच वट इज द रिएजेंट यूज टू ट्रांसफॉर्म साइक्लोहेक्सेनोल इन टू द साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोल को आपने साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट करना, तो हो जाएगा PCC। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए क्लास सिंपल हीट लेबियल प्रोटीन अक्रिंग इन सीड्स ऑफ द सीरियल सॉल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलीज, तो हमारा ग्लूटिन होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपने निकल का इस कंपाउंड में, तो ये हो जाएगा हमारा 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86 है, आपने बताना है कि इसमें कम्बशन रिएक्शन मीथेन के कौन सी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। नेक्स्ट है अप टू डेट इज द वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, तो ये हमारा चेक करेंगे जरा आप इसको। वट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोटोकॉर्डेट्स के लिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये तीनों ही करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें भी। वट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हो जाएगा 1 × 10⁻¹⁴। आपको फिर एजर्शन और रीजन दिया है 91 क्वेश्चन में,
तो ये दोनों ही करेक्ट है हमारे पास। कॉकरोच की सीरीज से ये क्वेश्चन आ रखा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिन्होंने सीरीज लगाई होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सीरीज से कितने क्वेश्चन आए हैं और आपने उसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, हु प्रपोज द जीन टू जीन हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द डिजीज रेजिस्टेंस। तो इसका है फ्लोर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो इसका हो जाएगा माल्टेज। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बतानी है आपने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए, इसको भी आप चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 है, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका रिलेशन है, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5.9 फारेनहाइट प्लस 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। तो ये हमारी M27 एंड द चेन का स्ट्रक्चर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल्स इन द सॉइल। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें आपने बताना है कि किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, इसको भी आप चेक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन एसिटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये आज का पेपर था, पेपर का पैटर्न है जो हार्ड लेवल का भी था, मीडियम लेवल का भी था। तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इसमें एटलीस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन है हमारे केमिस्ट्री के आए हैं, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी हमारी लगभग एक जैसी ही आई है। तो आई थिंक कि इसकी जो मेरिट है वो 55 या 60 तक इसकी मेरिट जा सकती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर इसमें कितना आ रहा है, और वीडियो की बाकी नोटिफिकेशंस हैं जो चैनल की, उसे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इसके बाद हम लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है हमारा मार्च में 31 को उसकी सीरीज चलाएंगे, तो आप सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।